हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज का पूरा व्लॉग डेडिकेटेड है करण को। करण का बर्थडे है कल, तो हमने सोचा आज रात को उसका केक कटा लेते हैं। तो हम दो तीन जगह पहले केक पता करने गए, फिर फाइनली होम बेकर्स जहाँ मैं हमेशा केक लेने आता हूँ, यहाँ पर मुझे केक मिल गया। और फिर उसके बाद करण के लिए मुझे कुछ लेना था तो हम चले गए जूडियो। सोचा वहाँ से करण के लिए एक टी शर्ट या कुछ ले लेते हैं, जैकेट वगैरह। बहुत कुछ देखने के बाद, बहुत कुछ ढूंढने के बाद फाइनली हमको कुछ पसंद आया। उसमें भी हम बहुत कंफ्यूज थे कि दो तीन चीज़ों में से कौन सी चीज़ लें। और तो यहाँ पर मैं बहुत ढूंढ रहा था और आदर्श मेरी हेल्प कर रहा था कि कौन सा सही लगेगा कौन सा नहीं। तो ये येलो वाला ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था, येलो कलर करण पे अच्छा लगेगा क्योंकि उसका करण कलर फेयर है। बट स्टिल येलो को कम वोट्स मिले तो हमने ये नहीं लिया, हमने कुछ दूसरा ही लिया, वो आपको दिखाते हैं आगे। उसके बाद हमको ये व्हाइट एंड ब्लैक टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही थी, करण पे जचती, क्योंकि आदर्श का कहना था कि गर्मी है तो ये ले लो। तो अभी फिर हम ये भी कंफ्यूज थे, हम दोनों लेकर के जा रहे थे। हम मेरे को लगा कि ये दोनों ही देख लेते हैं कौन से ज़्यादा बेहतर है, इसको ज़्यादा वोट मिले। वैसे हम दोनों ने इसको सेलेक्ट किया तो ये लेकर जा रहे थे अभी, लेकिन फिर कुछ और हुआ। और ये जो ग्रे वाला शर्ट है ना, ये हमको बहुत पहले पसंद आ गया था, सबसे पहली नज़र में हमको पसंद आया था। ये हमने रख दिया था काउंटर में, हम बाकी चीज़ें देख रहे थे, बट स्टिल इससे ज़्यादा बेहतर हमको कुछ नहीं लगा। तो यही लेकर हम निकल गए घर के लिए, क्योंकि आज रात 12 बजे के लिए हमको, वैसे ऐसा हम कुछ ज़्यादा कर नहीं रहे थे, बट स्टिल हमको प्रिपरेशन थोड़ी बहुत तो करनी थी। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Karan. Thank you so much. Happy birthday, my friend. Birthday, Karan. 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 पहली। तो अभी नेक्स्ट डे हो चुका है फ्रेंड्स, मैंने इनके साथ में होली नहीं खेली थी। मैं ऑफिस से आया और मैंने मेरे बैग में एक गुलाल का पैकेट पड़ा हुआ था। मेरे को नहीं पता था कि वो गुलाल ऐसा है कि लग जाने के बाद वो छूटेगा ही नहीं, और मैंने करण और आदर्श पे लगा दिया। लगाने के बाद जब मेरे पर बात आई तो मैंने गुलाल का पैकेट फेंक भी दिया था। तो ये लोग इस कदर रंग गए थे कि इनको 3-4 बार फेस वॉश करना पड़ा, फिर बहुत मुश्किल से ये छूटा। होली खेलूं और मेरे को नहीं पता था कि उस गुलाल में ये कलर मिक्स है। ऐसे होली नहीं होती, दोनों तरफ से होती है। आप गुलाल लगा के छोड़ दिया हमको। और फिर शाम को मैं, अपूर्वा, शांतनु, आदर्श और करण निकल गए कैफे युवा के लिए। गुलशन पे अभी आने वाले थे, थोड़ी देर में वो भी पहुंच जाएंगे। बिग बॉस जाते हैं। आज करण का बर्थडे है, ऐसे आपको बहुत देर से पता चल गया होगा, थंबनेल देख के भी समझ में आ गया होगा। तो अभी जितने लोग बैठे हुए हैं, सबसे मैं दो शब्द में कुछ नहीं होता, तो मेरे को स्टार्ट करना है। लेट्स स्टार्ट विद शांतनु। टू बी ऑनेस्ट, करण इज द सेकंड मोस्ट हैंडसम, स्मार्ट एंड टैलेंटेड गाय, फर्स्ट इज ऑलवेज मी। और बस लाइफ में सक्सेसफुल रहे, मेरे से थोड़ा कम, बाकी सब सही रहेगा। मेरा वो टैप दिया, आई मीन कॉपी कर दिया। थैंक यू फॉर द ट्रीट, हैप्पी बर्थडे। चलो हैप्पी बर्थडे और थैंक्स आज के पार्टी के लिए। ऐसे गुलशन भी है, ज्यादा करण को जानते नहीं है क्योंकि ज्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं है, बट स्टिल आप जितना जानते हो। दो लाइन बोलने के लिए थोड़ा और साथ रहना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। दो वर्ड बोल सकता हूँ, क्रिएटिव पर्सन। करण की प्रतिक्रिया क्या है इस पे? नहीं नहीं, बहुत अच्छा बोले, मतलब नहीं खुशी के आंसू है, कहा कुछ बुरा थोड़ी बोले। हाँ, वो भी यूज्ड वाला। बर्थडे करण के बारे में बोलना है, सबने बोल दिया, मेरे को बोलना है। करण इज मोस्ट इरिटेटिंग पर्सन फॉर मी, क्योंकि जैसा मेरे लिए शानू है वैसा मेरे लिए करण है। करण की एक सबसे खास चीज़ जो करण के लिए, करण को स्पेशल बनाती है मेरे लिए, दैट इज़ करण हमेशा मेरे को भैया बोलता है। करण ने कभी मेरा नाम नहीं लिया, करण कभी मेरे को शिवम भैया या ये नहीं बोलता। वो शानू की वो चीज़, एक दिन ये लोग डिस्कस भी कर रहे थे, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मेरे को
मेरे को क्या पसंद है, मेरे को पसंद है और मेरे को और ज़्यादा कनेक्ट करती है इससे, तो थैंक यू एंड कीप इरिटेटिंग मी। और स्टार्ट करेगा करण बड्डे कितना सेफ खेलता है भाई, गिरेगा गिरेगा चलो गिर गया गिर गया। आदर्श आदर्श नहीं देंगे ठीक है, जिसे गिरा उसको एक डेयर मिलेगा, गिरेगा टेबल नहीं गिरा कोई, बस डेयर डेयर किस चीज का यार। नहीं कोई इशू नहीं है सर, नहीं अच्छा है बहुत अच्छा है।